हेलो एवरीवन, आज हम रेजिडुअल क्लोरीन जो है वाटर के अंदर हम ये कैसे प्रैक्टिकल निकालते हैं, है, इसके उसके बारे अंदर के जो अंदर हम है स्टडी कि करेंगे। ठीक इंट्रोडक्शन है, के अंदर हम कह दें कि कोई भी जो है वाटर है वो फिट होता है पीने के लिए, या जिसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, या जो डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है वो है पानी पीने योग्य होता है। ठीक है, तो उसको हम पीने योग्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर सप्लाई के अंदर जो है हम उसके अंदर जो माइक्रोजम है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का सिंपल जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो है कि हम क्लोरीन गैस जो है वो इसके अंदर ऐड करते हैं, जिससे कि जो पैथोजन माइक्रोजम है वो आपके किल्ड हो जाए। ठीक है, तो जो क्लोरीन हम जनरली ये ऐड करते हैं वाटर के अंदर वो है, या तो गैसीय फॉर्म के अंदर डाल सकते हैं, या हम सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के रूप के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन जब वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो पहले ही ऑर्गेनिक मटेरियल और मेटल से रिएक्ट करती है, और उसके बाद में जो बचती है फ्री है क्लोरीन, वो जो है आपके वो डिसइन्फेक्शन के काम आती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, और बची हुई जो जो आपके क्लोरीन होती है उसको जो है हम बोलते हैं टोटल क्लोरीन। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्लोरीनेशन जो है, या क्लोरीन क्या होती है उसके बारे में अपने स्टडी किया। इसके बाद में जो क्लोरीन जो होती है उसको हम दो, उसकी डिमांड को जो हम दो उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली क्लोरीन जब हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो नाइट्रेट से रिएक्ट करती है। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद के अंदर जो ये जो उसके बाद में जो है वो डिसइन्फेक्शन के लिए वो अनेबल बोलती है। ठीक है, तो नाइट्रेट के साथ जो कंबाइंड होती है उसको हम बोलते हैं कंबाइंड क्लोरीन। ठीक है, और इसके बाद में कंबाइंड क्लोरीन के बाद के अंदर जो फ्री क्लोरीन होती है वो जो है वो आपके जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोजम है उसको इनएक्टिवेट करने के काम आती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसको हम जब भी हम इसको करेंगे तो इसको जो आपके जो फ्री क्लोरीन है उसको हम जो है डिटरमाइन करेंगे आपको पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर के उसके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद के अंदर जो है रेजिडुअल क्लोरीन का मतलब क्या होता है, रेजिडुअल का मीन्स ये है कि रिमाइंडर या क्लोरीन जो कि रह गई हो। ठीक है, तो क्लोरीन जो है आफ्टर जब हम उसके अंदर डालते हैं तो कुछ वो, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि वो रिएक्ट करती है उसके नाइट्रेट से और ऑर्गेनिक मटेरियल से, बाकी की जो रिमेनिंग होती है वो आपके फ्री वाटर के अंदर होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन रेजिडुअल क्लोरीन। ठीक है, तो रेजिडुअल क्लोरीन जो है वो आपके इस फिनिश वाटर के अंदर आपके टेस्ट की जाती है। ठीक है, जिससे कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या कि वो सेफगार्ड उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो एक्सेस क्लोरीनेशन जो होता है वो भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। एक्सेस क्लोरीनेशन जो होता है या क्लोरीन की मात्रा होती है वो कार्सिनिक होता है। ठीक है, जो इसलिए हमें एक्सेस क्लोरीन की मात्रा भी उसको नहीं उसके अंदर डालनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्रैक्टिकल को करते हैं, और जो क्लोरीन जो है आपके मेजरमेंट के हैं टोटल रेजिडुअल क्लोरीन को अगर अपन मेजर करते हैं तो इसमें बहुत सारे मेथड हैं, जैसे आइडोमेट्रिक मेथड है, एम्पियर मेट्रिक टाइट्रेशन मेथड है, डीपीटी मेथड है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके मेथड अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद में एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस के अंदर हमने आपको बताया कि आपके जो है डोमेस्टिक और इंडस्ट्री वेस्ट के लिए रेजिडेशन क्लोरीन की डिटर्मिनेशन बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि इससे हम उसको क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन की मात्रा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जो है इसके अंदर हम एक्टिवेटेड क्लोरीन जो है वो फ्री और कंबाइंड है, वो ईच स्टेज पे हमें क्या करना है ट्रीटमेंट वाटर के अंदर हमको क्या लिखा डिटरमाइन करना, जिससे कि क्या हो कि आपके जो मेन वाटर मेन और सब मेन है उसके अंदर बैक्टीरिया जो जो कंटामिनेशन है उससे वो बचा जाए। ठीक है, तो इसी पर तरह से क्लोरीन जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो बेड कलर और इसके बाद के अंदर जो है ये टेस्ट के अंदर भी ये इफेक्ट डालती है, इसलिए हमें भी क्लोरीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी तरह साथ साथ के अंदर और भी है, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको क्लोरीनेशन की मात्रा कितनी करनी है उससे हमको निकालनी होती है, जिससे कि क्या हो कि
सेफ गार्ड रहे, ठीक है, इससे हम बीमारियों से बचा सक सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाटरमैन वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो है कि इसके अंदर भी सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर क्लोरीन की मात्रा होनी चाहिए, जिससे कि वो है डिस्ट्रॉय या डीएक्टिविटी डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोजम को कर दे, ठीक है। इसके बाद में प्रिंसिपल जो है, हम रेजिडुअल क्लोरीन कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लोरीन है वो लिबरेट होती है फ्री आयोडीन के साथ कंबाइंड जब करती है, ठीक है, पोटेशियम आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ के अंदर जो आयोडीन होती है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके वो फ्री आयोडीन को लिबरेट करती है, ठीक है। पीएच है उसकी 8 से कम होना चाहिए, ठीक है, और लिबरेटेड जो आयोडीन होती है उसको हम जो है सोडियम था सल्फेट, ठीक है, और इंडिकेटर जो है वो स्टार्च को हम यूज़ कर सकते हैं करते हैं, और इससे क्या टाइटेशन करके हम इसको इसकी फ्री आयोडीन की मात्रा निकालते हैं, ठीक है। तो इससे जो थोड़ियम जो फ्री आयोडीन की मात्रा जो निकालते हैं वो जो है आपके जो है क्लोरीन से कितनी कंबाइंड हो रही है, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर हम इसको फिर कैलकुलेशन के द्वारा हम क्लोरीन की मात्रा निकालते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एंड पॉइंट है वो पहले क्या होता है, जैसे स्टार्च आप जो ही डालोगे तो ब्लू कलर आएगा, और फिर इसके बाद के अंदर जब हम इसको टाइट्रेशन करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ में, तो जो ब्लू कलर है वो डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्च आयोडीन टाइट्रेशन मेथड जो है ये ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, बहुत ही पुराना मेथड है इसके अंदर, ठीक है, और इज़ वेरी नॉन स्पेसिफिक फॉर ऑक्सीजन एंड जनरली इज नॉट यूज फॉर टोटल क्लोरीन टेस्टिंग एट लेवल अबव 1 मिलीग्राम पर लीटर कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो है अगर आपके 1 मिलीग्राम पर लीटर अगर टोटल क्लोरीन अवेलेबल है तो ये स्टार्च आयोडीन टाइट्रेशन मेथड जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जब आप रेजिडुअल क्लोरीन निकालेंगे तो अपन को इन अपार्टस की आवश्यकता होगी, जैसे ब्यूरेट है, ब्यूरेट स्टैंड है, पोर्सलिन टाइल है, पिपेट है, पिपेट बल्ब है, वाश बोतल है, 250 ml सिलेंडर है, 500 ml कॉनिकल फ्लास्क है, इनकी हमको आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो है आपके अपार्टस से जनरली टाइट्रेशन के काम आते हैं, ठीक है। केमिकल्स है, केमिकल के अंदर आपको एसिटिक एसिड की आवश्यकता होगी, अपन को पोटेशियम आयोडाइड की आवश्यकता होगी, सोडियम थायोसल्फेट की आवश्यकता होगी टाइट्रेशन के लिए, स्टार्च है इंडिकेटर के रूप में, और इसके बाद में डिस्टिल या डीआयोनाइज वाटर की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब हम रिजेंट बनाएंगे तो इसके अंदर जो है डिस्टिल वाटर की बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक। अब जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर जो है कुछ सावधानियां की भी आवश्यकता हमको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे एक पहला जो चीज़ है कि जो एक्सपेंट है ये है बेसिक एक्सपेंट है, तो देर विल बी नॉट बी एनी मेजर डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये बहुत ही साधारण एक्सपेरिमेंट है जिसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि सिंपल जो है आप 10th 12th के अंदर भी जो टाइटेशन करते हैं वो सेम प्रोसीजर है, इसलिए ज़्यादा उसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको जो है जब भी आप करें इसको जो प्रोसीजर है इंटायर प्रोसीजर को जो है आप क्विकली कर ले, क्योंकि इसके अंदर जो है क्लोरीन वगैरह है और एम्बिएंट एयर है वो जो है ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसके साथ में जो पोटेशियम आयोडाइड क्रिस्टल जो है उसको एयर के अंदर एक्सपोज नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको साथ साथ के अंदर जिसके अंदर आयोडीन फ्लास्क के अंदर लेना चाहिए, इसको पोटेशियम आयोडो को क्रिस्टल को रखना चाहिए बजाय कॉनिकल फ्लास्क के, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन मैंने आपको जिस फर्स्ट के अंदर बताया कि ये जो है नॉट स्टेबल, वाटर के अंदर स्टेबल नहीं होती है, इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है सैंपल के अंदर धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, यानी कि रैपिडली जो है आपने जो ही डाला वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ में आपने जो भी सैंपल को जो आपने एनालाइज किया, ठीक है, तो क्लोरीन जो है आपको जो ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं हो सकती और प्रिजर्व भी नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए तुरंत प्रभाव से जो भी सैंपल आपने लिया है उसकी जो है आपको एक्सपेरिमेंट तुरंत करना है। साथ ही के अंदर जो है जो भी आपने ग्रेप सैंपल लिया उसको एक्सेस हिलाना नहीं है, यानी कि आप हिलाओगे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन वगैरह एरिएशन होगा, जिससे क्या है क्लोरीन जो है उससे रिएक्ट करेगी और आपकी जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। साथ ही साथ के अंदर जो है आपको जो आपके सैंपल है, ठीक है, उसको जो है सन से एक्सपोज नहीं करोगे, लाइट भी नहीं आनी चाहिए और उसको एग्रीटेट नहीं होगा, जिससे क्या होगी आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके सही आएगा अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो, ठीक। तो ये प्रिकॉशन हो गया। अब आपने जो मेन चीज़ है
वो है कि आपके प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो प्रोसीजर मेथड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपके जो है, पहला तो है एडोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर दो मेथड है, एडोमेट्रिक और एक है आपके ऑर्थो टूलिडिन मेथड। ठीक है, तो एडोमेट्रिक मेथड के अंदर जो है क्या करते हैं आपके, ये मोर पीसेस होता है आपके क्लोरीमेट्रिक मेथड के। ठीक है, इसके अंदर रेजिडुअल क्लोरी आपके जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपके ऑर्थो टूलिडिन मेथड जो है, ये जो है जनरली यूज़फुल होता है फ्री अवेलेबल क्लोरीन और कंबाइन क्लोरीन के लिए। और अगर मान लीजिए इसके अगर रेजिडुअल क्लोरीन जो है अगर लो क्वांटिटी के अंदर, तो आप ऑर्थो टूलिडिन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक, इसके बाद में ये आपके मैंने प्रोसीजर चार्ट दिखा रखा है आपको कि आपको क्या करना है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो पहले तो आपको इसके अपन मैंने इसको वर्ड के अंदर भी कर रखा है, तो ये चार्ट बता रहा है कि आपको 200 ml जो है आपको वाटर सैंपल लेना है, जिससे भी आपको क्या करना है क्लोरीन के अंदर वो मेजर करना है। ठीक है, इसके बाद के अंदर जो है आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो है 5 ml जो है एसिटिक एसिड डालना है। ठीक है, एसिटिक एसिड डालने के बाद में इसके अंदर आपको 1 ग्राम जो है पोटेशियम आयोडाइड और इसको मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद के अंदर इसके अंदर क्या करना है आपको, एज क्विकली एज पॉसिबल जो है आपको क्या करना है इसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट से क्या करना है, इसको टाइट्रेशन करना है, जिससे क्या होगा कि इसका जो कलर है वो है आपके येलो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो है 2 ml जो है आपको स्टार्च डालना है। ठीक है, तो इससे कलर क्या आएगा, ब्लू आ जाएगा। फिर इसके बाद में फिर आपको टाइट्रेशन करते रहना है सोडियम थायोसल्फेट, जब तक कि उसका जो कलर जो है वो कलर नहीं हो जाए। और जो क्वांटिटी आपकी सोडियम थायोसल्फेट की आएगी, उससे आपको कैलकुलेशन से क्या करना है आपको, उससे आपको रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा को निकालना है। ठीक है, तो ये इसके अंदर तरीका है। अब इसके अंदर टेस्टिंग है, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर बता दिया, जो अपने जो डायग्राम था उसके अंदर सिंपल है कि सेम इसको वर्ड में मैंने दे रखा है कि 200 ml आपको लेना है, इसके अंदर 5 ml एसिटिक एसिड डालना है। ठीक है, इसके बाद में आपको 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड जो है मेजर क्वांटिटी के अंदर वो डालना है, मिक्स करना है। फिर इसके बाद के अंदर आपको सोडियम थायोसल्फेट से क्या करना है कि इसको टाइट्रेशन करा, येलो करा कलर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको 1 ml जो है आपको स्टार्च सॉल्यूशन डालना है, ब्लू कलर होगा, और जब तक टाइट्रेशन करना है जब तक ये आपके डिसअपीयर नहीं हो जाए। ठीक है, जब हम इसको टाइट्रेशन करेंगे तो ब्यूरेट के अंदर रीडिंग लेंगे, तो जब हमने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया तो लगभग जो इसकी 1.7 ml जो है सोडियम थायोसल्फेट का इसके अंदर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये इसके अंदर टेबल है कि आपने जो सैंपल लिया था उसका टेम्परेचर नोट करना है आपको। ठीक है, वॉल्यूम आपने जैसे मैंने बताया 200 ml लेना, इनिशियल रीडिंग सबकी 0 ले लिया आपने, फाइनल रीडिंग आपको 1.6 आ गई इसकी, पहले वाले सैंपल की, दूसरे की 1.7, 1.7 ये तीसरे की आ गई। ठीक है, इस प्रकार आपने सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन है उसकी आपने रीडिंग ले ली। ठीक है, रीडिंग के बाद में आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में सिंपल है कि सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम है कितना ली आया आपने, 1.7 ml आया। इसके बाद में नॉर्मलिटी जो है सोडियम थायोसल्फेट की जो अपन ने लिया वो 0.01 लिया। ठीक है, सैंपल की जो वॉल्यूम है 200 ml लिया, और इक्विवेलेंट वेट है वो क्लोरीन का 35.45 होता है। ठीक है, तो इससे ये जो अपने पास में फॉर्मूलाज अवेलेबल है कि वॉल्यूम जो है कितना थायोसल्फेट का यूज किया, नॉर्मलिटी है, और इसके बाद में इक्विवेलेंट वेट है क्लोरीन का, इसको 1000 से गुणा करना और इसमें जो है भाग देना आपके जो वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो इस प्रकार ये अपन ने पुटअप किया इसके अंदर, तो अपने जो है रेजिडुअल क्लोरीन जो है 3 mg/L इसके अंदर आई। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने ये रिजल्ट अपने लेना है। ठीक है, जो अपने इसमें किया है वो सेम चीज़ आप किसी भी दूसरे जो जो है आपके सिंपल है उससे आप कर सकते हैं। सिंपल है कि सोडियम थायोसल्फेट जो टाइट्रेट होता है उससे आपको टाइट्रेशन करना है। ठीक है, और जो टाइट्रेशन वैल्यू आती है इस जो ये फॉर्मूला है उसके अंदर करना है। स्टार्च इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, सिंपल सी चीज़ है। स्टार्च जब भी आप किसी भी सैंपल में डालेंगे तो ब्लू कलर आएगा, उसको आपको डिसअपेयर करना है। ठीक है, तो ये हमारे मेन जो है आज का जो प्रैक्टिकल था कि रेजिडुअल क्लोरीन है वो आपको कैसे निकालनी है, इसके बारे में अपन ने स्टडी की है। ठीक है, तो आगे के जो एक्सपेरिमेंट डिफरेंट है उसके अंदर अपन डिफरेंट की ओर
इसके अंदर करेंगे। थैंक यू। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने की लिस्ट लिया है, स्पेशली जो है निटार की जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लैब मैनुअल जो है दुग्गल सर की, उसको आप दे सकते हैं। और ये कोविड के जो है इसके अंदर जो बच्चों को टीचिंग करने के लिए हमने इसको स्टडी किया है।